तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई ड्राइंग, 2D प्रैक्टिस ड्राइंग लाया हूं, और जो कि हम बनाएंगे ऑटोकैड 2022 में। और देखिए, ये ऑटोकैड 2022 में कौन कौन से टूल हैं जो बहुत ही इजी कर दिए गए हैं ड्राइंग बनाने के लिए। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हम बनाना क्या शुरू करेंगे। तो इसमें ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं ना, ये जो सर्किल है जिसकी रेडियस 10 है, ये सबसे पहले बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ से सेंटर रेडियस ले लेंगे। सेंटर रेडियस लेने के बाद हम यहाँ से क्लिक करके हम यहाँ पे बनाएंगे 10 mm का। ठीक, इसमें भर लेंगे 10। ठीक, ये बन गया 10 mm का सर्किल। उसके बाद 10 से छोटा हमारा 7 है। ठीक, तो 7 mm वाला बनाएंगे, इसके सेंटर से ले लेंगे 7। ठीक है, 7 के बाद फिर कितना है, 6 mm वाला भर करके बना देते हैं। ठीक, 6 वाला बन गया। उसके बाद देखो, अब इसमें ये वाला जो सर्किल है, ये कितना है, 1 है, लेकिन वो मुझे नहीं बनाना है। ठीक, वो हम लास्ट में बनाएंगे। उसके बाद ये वाला भी, इसके लिए भी हमें इसका सेंटर चाहिए होगा। ठीक, और ये वाला सर्किल बनाने के लिए हमें सेंटर नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो इसमें 6 डाया वाला पहले बनाता हूँ। डायमीटर जिसका कितना है, 6। ठीक, अंदर वाले का डायमीटर कितना है, 4। तो इस तरीके से हमने अंदर वाला भी बना दिया। अब हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन बनाएंगे। तो ऑटोकैड 2022 में एनोटेट के अंदर जाओगे तो यहाँ पे ये देखो सेंटर लाइन का ऑप्शन है, और इसमें बड़े वाले सर्किल पे अगर क्लिक करोगे तो इसकी सेंटर लाइन ऑटोमेटिकली बन जाएंगी, स्केप का बटन दबा दोगे। ठीक, तो ये सेंटर लाइन इस पे आ चुकी है। उसके बाद हमको क्या करना है, सेंटर लाइन बन गई, अब हमें ये एंगल बनाना है। तो एंगल बनाने के लिए होम पे जाओगे और ये लाइन कमांड पे क्लिक करोगे। इसके सेंटर से सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों के लिए मैं बनाता हूँ, इसके लिए और इसके लिए। ये किस एंगल पे है, 60 डिग्री पे है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मतलब कि बीच में 60 जाने के लिए पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इधर हमारा होना चाहिए 60। ठीक है, क्यों 60 होना चाहिए अभी मैं बताऊंगा। 60, ये देखो मैंने 60 डिग्री पे लाइन बना दी। ठीक, क्योंकि ये 90 है ना, 90, तो 90 में से 60 गया, 30 बचा। इधर भी मैं 60 अगर बना दूंगा तो 90 में से 60 जाएगा, 30 बचेगा, 30 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, एक लाइन और हम खींचेंगे इधर की तरफ, नहीं लाइन खींचेंगे तो इसी का मिरर कर देंगे। मिरर कमांड पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इस पे और इस पे, ये देखो हमारा 60 डिग्री का एंगल बन चुका है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से मेजर करें मेजरिंग टूल से, तो हमारा जो एंगल है इन दोनों के लाइंस के बीच का, वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री बन गया ना। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। देखो अब यहाँ पे ये दोनों 120 डिग्री का बना हुआ है, मतलब ठीक इसके दो गुना हमें बनाना है। तो यहाँ पे लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, यानी कि इधर से हमारा 30 रहना चाहिए। तो इस पे हम कितना कर देंगे, 30। जब 30 करेंगे तो इधर हमारा कितना बचेगा, 60 60 60, 120 हो जाएगा। उसके बाद हम मिरर पे क्लिक करेंगे, मिरर पे क्लिक करने के बाद लाइन सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको भी हम मिरर कर देंगे। ठीक है, मिरर कर दिया, नो पे क्लिक कर देंगे। तो ये वाला एंगल अगर हम मेजर करके देखें तो ये वाला भी हमारा 120 का बन गया है। देखो 120 का बन गया ना। ठीक, उसके बाद हम बात करें, ये हमें 110 पे बनाना है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से, ठीक है, इस वाली लाइन से और इस वाली लाइन तक 110 बनाना है। तो फिर लाइन कमांड लेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से ये जो लाइन है, यहाँ से और यहाँ तक हमारा 90 है, तो यहाँ पे और ये टोटल 180 है ना, टोटल 180 ले रहा है। तो 180 में से कितना घटाएं कि इधर हमारा, मतलब कि ये जो ये 90 है, 90 में अगर हम जोड़ दें 20, ठीक है, 90 में अगर हम 20 जोड़ दें, मतलब 20 घटा दें, तो ये इधर कितना रहना चाहिए हमारा, टैब 160 160 अगर उधर रहेगा तो इधर वाला हमारा ऑटोमेटिकली जो होगा वो 110 बन गया है। देखो मैं दिखा रहा हूँ मेजर करके, इस लाइन पे क्लिक करो, ठीक है, और इस वाली लाइन पे क्लिक करो। ठीक, तो ये हमारे 110 डिग्री पे बन चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लगभग में सभी के सेंटर पॉइंट पता चल चुके हैं, अब हमें केवल सर्किल अपना डिजाइन करना है। ठीक, तो चलिए पहले सेंटर डाया वाला सर्किल ले लेते हैं। ठीक, अब इसका यहाँ पे मैंने एक सर्किल साइड ड्रॉ नहीं किया है, एक मैंने 6 ड्रॉ कर दिया, ठीक है, 7 भी मैंने ड्रॉ कर दिया है। ये हो गया हमारा 6, ये हो गया 7, लेकिन ये आगे वाले सर्किल का हमें दिया नहीं गया है रेडियस। तो इसका रेडियस कैसे निकालोगे,
देखो अगर ये यहाँ से यहाँ तक की एक दूरी है तो यहाँ से यहाँ तक की भी एक ही दूरी होगी, यानी कि 2 mm का हम ऑफसेट ले लेंगे। ऑफसेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और दो ऑफसेट इसमें भर लेंगे, क्लिक करेंगे और ऊपर वाले का हम इसका अंदर की तरफ 2 mm ऑफसेट कर देंगे, तो ये भी हमें पता चल गया कि अंदर वाला सर्किल कहाँ पे बनेगा। ठीक, अब ये देखो दोनों जो यहाँ पे काट रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है कि ये कहाँ पे काट रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब 3 पॉइंट आर्क लेंगे। ये रहा हमारा 3 पॉइंट आर्क, स्टार्ट इन रेडियस वाला आर्क लेंगे क्योंकि हमें इसकी रेडियस पता है 1 mm। ठीक, तो इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, नहीं यहाँ से एंगल ले लेंगे, लेने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और इधर की तरफ कितना है इसका रेडियस, 1 1 भर के इंटर दबा देंगे। ठीक है, अब हम चाहें तो इसका मिरर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मिरर करूँगा, मैं डायरेक्ट बना के आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें और वन भर दें। ठीक, तो दोनों तरफ हमारा बन चुका है। ठीक, ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, ये वाले जो गोले हैं इनको बनाना है, ये वाले जो सर्किल है इनको बनाने के लिए हम डायमीटर वाला ऑप्शन लेंगे और इसका सेंटर पॉइंट ये है और रेडियस इसकी कितनी है, 2 mm, तो इसमें 2 भर देंगे। ठीक है, और दूसरे वाले का सेंटर कहाँ पे है, यहाँ, तीसरे वाले का सेंटर यहाँ पे है 2 mm। ठीक है, और यहाँ भी अभी ले लेंगे हम 2 mm। ठीक, तो इस तरीके से ले लेंगे। अब देखो इन दोनों के ठीक बीच में हमें ये सर्किल बनाना है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि ये टोटल हमारा कितना है, टोटल 120 है, तो आधा इसका 60 हुआ, यानी कि अगर हम यहाँ से इन दोनों के बीच में अगर मैं एक मिडिल पॉइंट में अगर मैं ड्रॉ कर दूँ, एक लाइन ड्रॉ कर दूँ एक मिडिल पॉइंट में, ठीक है, इन दोनों के ठीक मिडिल में, बात समझ में, तो ये हमारा जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का एंगल होगा, बात समझ में। तो हम वैसे तो यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं ये जो एंगल है, रुको सीधा मैं एंगल ही खींच देता हूँ। ठीक, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से हम भर देंगे कितना, ये मैंने 30 बनाया था तो अब मैं इसे 60 बना दूंगा, 60। ठीक, 60 बनाने के बाद हम इसको मिरर कर देंगे मिरर कमांड से, इस पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको हम मिरर कर देंगे इधर की तरफ, नो। ठीक, अब देखो इन दोनों का भी हमें सेंटर पता चल गया, तो अब इन दोनों को भी हम बना देंगे 2 रेडियस का है, ठीक, 2 इसका भी डाया है, तो पांचों सर्किल बन गए हैं। अब हमें कौन सा वाला ऑप्शन बनाना है, ये वाला बनाना है। ठीक, तो देखो इसमें एरे किया गया है, एरे कमांड का प्रयोग किया गया है, तो हम यहाँ से ये वाला पोलर एरे हम यहाँ से ले लेंगे, इसमें से कौन सा एरे ले लेंगे, पोलर एरे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देखो जो सर्किल की हमें इसकी रेडियस दी गई है वो कितनी है, 1.6, तो इसके ठीक मिडिल पॉइंट से ये लिया गया है यहाँ से, तो हम यहाँ से क्या करेंगे इसके ठीक मिडिल पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ से हम बना देंगे 1.6 का, 1.6 mm का। ठीक, ये मैंने बना दिया, लव मेरा 1.6 का डिलीट करो, ठीक है, बनाओ 1.6, ठीक 1.6 बन गया। अरे नहीं, डायमीटर ले ले रहा हूँ, इसकी रेडियस दी है ना, तो यहाँ से मैं रेडियस सर्किल लूंगा, रेडियस सर्किल लेने के बाद इसमें भरूंगा 1.6 इंटर। ठीक, अब देखो ये ट्रिम कमांड 2020 वाले में, ये ट्रिम कमांड में हमें कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्टली हमारा ट्रिम कर देगी। ठीक है, इस तरीके से अब हम केवल अरे कमांड लेंगे और इन ऑब्जेक्ट को गिन लेंगे, कितने ऑब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ऑब्जेक्ट हैं, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसके सेंटर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम 6 की जगह 12 ऑब्जेक्ट भर देंगे, इंटर दबा देंगे। ठीक, और यहाँ पे अरे को हम क्लोज कर देंगे। अब फिर से हम ट्रिम वाली कमांड लेंगे, अब देखो इसको सेलेक्ट नहीं करना है, जो जो चीज़ हमें अनवांटेड है वो उसे हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो इसमें ये दोनों अनवांटेड हैं, ठीक, इसमें डायरेक्टली हम डिलीट कर देंगे, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हमें कुछ सेलेक्ट करना है, जो चीज़ चाहो उसे डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा टूल बना दिया है, पहले सेलेक्ट करना रहता था जिसको हमें डिलीट करना रहता था लाइन को, तो
ट्रिम करने में समस्या आती थी, तो 2022 में अब समस्या वो खत्म कर दी गई है। ठीक, अब इसकी अगर हम बात करें तो ये गोले यहाँ से इनको ट्रिम करना है। ठीक है, इस तरीके से, और इसको भी यहाँ से ट्रिम कर देना है। ठीक, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से। ठीक है, अब क्या करना है, अब एक लाइन लेनी है। नहीं रुको, एक बार फिर से ट्रिम यहाँ पे नहीं हुआ है, इसको भी हटाना है और इसको भी हटाना है। एक छोटी सी लाइन कमांड लेनी है और इसको यहाँ से यहाँ मिला देना है। ठीक, मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, फिर से पोलर एरे लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक, एक मिनट, पहले हम डिलीट कर लेते हैं जो अनवांटेड है। जैसे हमारे लिए अनवांटेड कौन कौन सा है, एक ये है। ठीक, ये तीनों अनवांटेड है। जो अनवांटेड है उन्हें हम डिलीट मार दे रहे हैं। ठीक, अब हम ले रहे हैं पोलर एरे। ठीक है, इसको इस पे क्लिक करो, इस पे करो, इस पे करो, इस पे करो, राइट क्लिक करो और सेंटर पे क्लिक करो, और इसमें वैल्यू दे दो। कितनी एरे भरनी है हमें, तीन। ठीक, तीन भर दिया, तो ये बार अब बन के तैयार हो गया है। ठीक, अब उसके बाद इस लाइन को हम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि हमें डॉटेड लाइन दिखानी जो है। इसको यहाँ इसके सेंटर पर मैंने जोड़ दिया, और ये जो लाइन्स हैं, पहले हम इसको एक बार इस तरीके सेलेक्ट करके, ठीक है, जे इंटर मार देंगे। जे जे का मतलब ज्वाइन, इंटर। ठीक, अब ये ऑब्जेक्ट हमारा ज्वाइन हो गया है। अब जिन लाइंस को हमें सेंटर लाइन दिखाना है, उनका हम एकदम से कलर चेंज कर दे रहे हैं। ठीक, इसका कलर जैसे यहाँ से मैं रेड कर दे रहा हूँ, एकदम, नहीं रेड नहीं, चलो ये वाला कर देता हूँ, थोड़ा सा दिखता रहे। ठीक, और इन वाली लाइन्स का मैं कर दे रहा हूँ रेड, की इसमें ग्रीन कर दे रहा हूँ। ठीक, तो देखिए फ्रेंड, सेम टू सेम डिज़ाइन बन चुकी है, तो बहुत ही इजी है। अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है डिज़ाइन बनाने में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, मैं आसान तरीका आप लोगों को बता दूंगा डिज़ाइन बनाने का, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आप बड़े आसान तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल।